हेलो एमजी फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम एमजी व्लॉग्स। तो भाई साहब सुबह सुबह उठ चुके हैं हम, और सुबह सुबह हमारी कितने बजे हुई है मुक्ति? एक तो वाली ना घड़ी खराब हो गई है, टाइम ही नहीं पता लगता। इसकी खुद की घड़ी खराब है जो इसने पहनी हुई है। क्या बंद पड़ी है? लोग कहते हैं मेरा टाइम खराब है, इसका सच्ची में टाइम खराब है। 12:15 हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग रात को थोड़ा सा काम निपटा रहे थे। मुक्ति अपना व्लॉग एडिट कर रही थी, थोड़ा सा लेट सोए तो थोड़ा सा लेट उठे। और अब सुबह सुबह मुक्ति की फ्रेंड का फोन आया नेहा का, कि वो भी स्टूडियो आ रही है और स्टूडियो की ऐसी हालत हो रखी है ना। देखो हाँ, तो अभी सफाई हो रही है, मैं करता हूँ किचन साफ, मुक्ति करती है ड्राइंग रूम साफ। चीज आती है, मैं नोटिस किया है, जैसे व्हाइट फर्श है ना, तो देखो एक एक दाग दिखता है, देख छोटे 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 छोटे। मिंटू को ड्यूटी पे लगाओ, मिंटू को थोड़ा यूज करो। ये देखो ना, घूम फिर के इंडिया की औरतें झाड़ू पोछे भी आ जाती है। जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी हाई कर लो, बट झाड़ू पोछा सुप्रीम रहेगा हमेशा। तो ओंकार और मैंने मिलकर किचन तो काफी हद तक सेट कर दी है, बट सबसे जो मुश्किल काम है वो है ये जो मुक्ति कर रही है, जो कि हमसे नहीं होता, क्योंकि हम जब आगे झाड़ू मारते तो पीछे कूड़ा रह जाता है, पीछे झाड़ू मारते तो आगे कूड़ा रह जाता है। ये मुक्ति, इसके पीछे क्या फिजिक्स है? प्रैक्टिस, थोड़ा झाड़ू ज्यादा मारा करो। बात ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। औरतें इस चीज में पहले से परफेक्ट होती है। अच्छा, क्या बात है। मतलब ये मुहावरे में मैन इसलिए क्योंकि मैन ही परफेक्ट है, औरतें पहले से परफेक्ट है। क्या बात, ये वही आदमी चीज बोल सकता है जो शादीशुदा है, क्योंकि उसको अपनी बीवी के साथ रहना है और ये बीवी उसके सामने है, तो ये डायलॉग बोलना बनता है। और अब टाइम आ गया क्विकली ब्लू टी या रेड टी बनाने का। मुक्ति क्या ब्लू टी या रेड टी? जो है बना दे। ये हमेशा यही बोलती है, हमें भी कंफ्यूज कर देती है। तो नेहा मैडम आ गई अपने पतिदेव के साथ। होने वाले पतिदेव? होने वाले हुए नहीं अभी? नहीं अभी नहीं हुए। अभी अभी तो तुम इनकी शादी पे गए थे। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा अलग बना है, सारे रेडी हो गए हैं जस्ट लंच पे जाने के लिए। ब्रेकफास्ट किसी ने नहीं किया क्योंकि लेट उठे थे, और अब सोच रहे हैं कहीं बाहर जाके सारे मिलके अच्छी जगह पे लंच खाते हैं। चंडीगढ़ में भी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है। मौसम आज इतना अच्छा है ना, बिल्कुल धूप नहीं है, बारिश वाला मौसम है। रात को बारिश हुई थी तो हवा भी ठंडी चल रही है, तो कहीं अच्छी सी जगह बैठ के मौसम का आनंद लेते हैं और बढ़िया खाना खाते हैं। अभी हम आए एक रूफटॉप रेस्टोरेंट पे, और इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, कसम से मजा आ गया। आज ओंकार भाई लंच का बड़ा मजा आने वाला है मौसम के हिसाब से। सच में यार बहुत अच्छा मौसम, खुला खुला एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है। मौसम विद द व्यू क्या लग रहा है चंडीगढ़, हरा भरा ऊपर से देख रहे हैं चंडीगढ़ का। यहाँ ना ओंकार ने टाकोज ऑर्डर करे हैं, और ये ऐसे टाको हैं कि हम नहीं भरने हैं। अच्छा, टाको हमारा बन गया है, और ये पता है टाको बना के भी नहीं देते, कि अगर स्वाद ना बने तो इनके जिम्मे ना पड़े, हमारे पड़ जाए कि आपने खुद बनाया भाई, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। भाई हमने सामान दिया था, आपने एक चीज ज्यादा डाल दी, आपकी गलती। और यहाँ महारथी आ चुके हैं। हेलो, अपने पति के साथ बैठोगे? उधर भी तुम मेरे पति के साथ बैठेगा। लंच हो गया हमारा बहुत ही बढ़िया, और आज नेहा और विदित, आज नेहा और विदित जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? किन्नौर जा रहे हैं। मैं भूल जाता हूँ चीजें यार बहुत ज्यादा। अब पता चला ना घूमने जा रहे हैं, तो हमारे भी मूड का बन गया था ना कि हम भी चलते हैं घूमने। इसको ले जाओ यार, ये बड़े दिनों से बोल रही है हमें घुमा लो, मुझे घुमा दो। अपने पास इनको देख के ना हमें जेलेसी होने लगी है। मैं तो घरों निकलते हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट नोटिस भी नहीं हो गया तो क्या हुआ? अच्छे प्लान्स ऐसे ही बनते हैं, अच्छे ट्रिप ऐसे ही बनते हैं, जब सोचा रहो और निकल पड़ो, अब वापिस आके पता लगता है कितनी बड़ी गलती होगी। मंजिल का पता नहीं। बाय बाय, हैव फन। तुम कार और मुक्ति चले गए मेरी गाड़ी लेके उनको ड्रॉप करने अपने फ्रेंड्स को, और आंचल और मैं घर जा रहे थे, बट सारा प्लान फ्लॉप हो गया क्योंकि मम्मा और पापा निकल गए कहीं घूमने के लिए। मीनवाइल तो नेहा और विदित को हमने कर दिया है एरोप्लेन में, नहीं बस स्टैंड पे ड्रॉप, और ओंकार मैंने सोचा कि थोड़े से फ्रूट्स ले लेते हैं। ओंकार बहुत सारी ऑप्शंस हैं, एक अपने पास ये बड़े वाला आम मैंगो शेक वाला, एक ये वाला दशहरी, और एक वो वाला, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये कौन सा आम है भैया? चौसा लेना? चौसा आम लेना, काटने वाला हमने ले लिया आलू बुखारा और आम। अब चलते हैं फटाफट स्टूडियो। आंचल और मैं गेड़ी मारने में इतने मखलूक हो गए थे ना, मखलूक
जो भी बिजी हो गए थे कि मुक्ति और ओंकार पहले ही घर पहुंच चुके हैं। ओंकार भी आज तक पानी डाल रहे हैं। हाँ ओंकार शायद पानी दे रहा होगा। हमने प्लान बनाया आज ना, हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी। तब हवा चल रही थी, बंद हो गई। अब हम बैडमिंटन खेलेंगे। बैडमिंटन खेलोगे? नहीं। अब बारी आ गई है अमेजोन से आई एक चीज को अनबॉक्स करने की। हमारे ना घर में आपको जैसे पता है कि छिपकलियों की बहुत प्रॉब्लम है, उसके अलावा मकड़ियां भी है। हाँ, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई क्योंकि घर बंद रहता है। तो मैंने ना ऑनलाइन सॉल्यूशन देखा था, ये ना कुछ आता है प्लास्टिक और फोम से का कुछ है, इसको आप अपनी दरवाजे के नीचे फंसा दो और आपका दरवाजा सील हो जाता है। सो बेसिकली वो जो गैप होता है वो भर देगा। ये देखो तुम्हें क्या लगता है करेगा काम ये? पहले हम इसको लगाएंगे मेन डोर के अंदर क्योंकि मेन डोर से बहुत ज्यादा मिट्टी आती है। क्या होगा यार? दरवाजे चौड़े। ये ना वो अमेजोन पे वीडियो में बड़ा आसान लगता है, ऐसे फंसाया और हो गया। जितनी आसान चीजें दिखते हैं उतनी आसान होती नहीं है। नहीं ये सच्ची में जा ही नहीं रहा एक पॉइंट के आगे। तो ये तो बहुत गंदी आवाज करेगा। जैसे आवाज तो गंदी का है, ऐसा लग रहा है वो कोई बोर्ड पे चौक नहीं घिसता, वैसी गंदी वाली आवाज आ रही है। तो ऐसा पहले ही थके हुए थे इस काम ने और थका दिया, और इतनी गंदी सी ना वो आवाज आती है ना। कमेंट करके बता दो अगर आप लोग वो आवाज आपको अच्छी लगी। मेरे अभी तक कानों में गूंज रही है वो, इतनी गंदी आवाज है ना वो घिसने की आवाज ना, बहुत ज्यादा अजीब सी फीलिंग लाती है अंदर, पता नहीं क्यों। तो अभी क्या करें फिर, वो चीज रिटर्न इसका रिटर्न डाल देंगे, कर देंगे इसको वापस। अगर आप भी सोच रहे थे ना ये खरीदने की तो कैंसिल कर देना, कोई यूज नहीं है। इससे अच्छा दरवाजे के नीचे अपनी लाइनिंग लगवा लो, रबड़ की आती है वो लग जाएगी, कोई बंदा लगा जाएगा कारपेंटर आके। देखो हम स्टूडियो आते हैं, अपना काम करते हैं, काफी चीजें करते हैं, बट स्टूडियो आने का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? खाना। हमें खाना बनाने का यहाँ टाइम मिलता नहीं है, अगर टाइम मिलता भी है तो यहाँ पे कुछ होता नहीं खाना बनाने के लिए क्योंकि सब्जियां वगैरह नहीं है। और हमारी जिंदगी सबवे पे चलती है। अभी मैंने 2-3 सब्वे ऑर्डर करे हैं, सैलेड ऑर्डर करे हैं। कैसा लगता है ओंकार भाई, घर का खाना छोड़ के सब्वे के सैलेड खा खा के बोर हो गया हूँ मैं तो। जोमेटो पे ना ऑप्शंस मांगते ही क्यों है कि कौन सी सॉस डलवानी है, कौन सी सब्जी डलवानी है, जब बंदे ने बनाना अपनी मर्जी से। सही बात है ये, पता है ऑनलाइन सिर्फ ना 3 सॉसेस का ऑप्शन आता है और उसमें हम चूज करते हैं बड़ा सोच के कि ये, और वो फिर भी अपनी मर्जी से बना के भेजते हैं। जो सब्जी चूज करो ना करो उन्होंने अपनी मर्जी से डालनी है। हम ना डिनर विनर करने के बाद, कल है वीकेंड, तो हमने सोचा एक मूवी देख लेते हैं जो कि है भूल भुलैया 2, और जिसके रिव्यूज ऑनलाइन सुनने में आ रहा था कि अच्छे थे। एक बार पॉज कर दो उसके बाद बताते हैं। हाँ यकीन से ये मूवी हमने टीवी पे, रिव्यूज अच्छे थे मूवी के सच्ची में। मतलब मैंने ऑनलाइन भी कई रिव्यूअर्स को देखा, उन्होंने बड़े अच्छे रिव्यूज दिए मूवी के। और अभी मूवी 1 घंटा 14 सेकंड की हम देख चुके हैं और मेरे से सहन नहीं हो रही है मूवी। मतलब मैं किसी एक्टर को अच्छा बुरा नहीं बोल रहा, किसी बंदे को अच्छा बुरा नहीं बोल रहा, बट ये मूवी देखने लायक नहीं है। जो मूवी का नाम है ना उसका पहला पार्ट बना हुआ है और पिछले पार्ट में बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दी हुई थी, बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन थी, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग थी, एंड इसमें कुछ भी नहीं अच्छा। बवासीर है, बवासीर। मतलब मुक्ति एक ऐसी लड़की है जो फ्लॉप से फ्लॉप मूवी भी देख लेती है, बोरिंग से बोरिंग मूवी देख लेती है। वो बोल रही है कि बंद कर दो, अगर मैं थिएटर में होता अब तक मैं उठ के चला जाता। तो भाई साहब जिनको भूल भुलैया अच्छी लगी है सेकंड पार्ट अच्छा लगा है वो कमेंट करके बता दो क्यों अच्छी लगी, उसमें क्या अच्छा लगा। हाँ और जिनको सेकंड पार्ट नहीं अच्छी लगी वो भी कमेंट कर दो, वेरी गुड। हम देखना चाहते हैं कि हमारे साथ कितने लोग हैं और हमारी फीलिंग कितने लोग शेयर करते हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि लोगों को इसमें क्या अच्छा लगा, एक बार आपको फाइनल रिव्यू टॉर्चर सहना पड़ेगा हमको। नहीं तुम सहो टॉर्चर, मैं जा रहा हूँ कमरे में सोने, मेरे बस का नहीं। कसम से बोल रहा हूँ मैं, ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, मैं नहीं देख सकता। और मतलब 1 घंटा देख ली बहुत बड़ी बात है, तो मैं तो लगा सोने ओंकार भाई, कल मुझे सुबह उठ के बताना कि हो सकता है सेकंड हाफ बहुत अच्छा हो तो मुझे बता देना। मैं तो जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट टाटा, मिलते हैं कल मॉर्निंग में मूवी के रिव्यू के साथ। पूरे 24 घंटे के बाद हम आ गए हैं घर। डैडी, अरे ये उल्टा भाग रहा है हमसे, पक्का इसकी बॉल होगी वहां पे। डैडी अरे हड्डी है, टैडी को मम्मी ने डाली नई नई हड्डी, तो ओ आ गया टैडी आ गया। यार मेरे पास तो आना बंद ही कर दिया कल से, हड्डी में बैठा। अच्छा टैडी को जब भी हम नई हड्डी डालते हैं ना तो ये सब कुछ छोड़ के हड्डी पे चला जाता है। तो अभी मैंने व्लॉग अपना कंटिन्यू सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि हम जा रहे हैं एक मूवी देखने, और मूवी हम कौन सी देखने जा रहे हैं वो मैं बताऊंगा आपको थिएटर में जाके। अभी मम्मा पापा मैं और आंचल होते हैं रेडी और निकलते हैं अपनी मूवी के लिए। और मूवी सच्ची में
ट्रेलर देखा था हमने, बहुत अच्छी लग रही थी, तो हमने सोचा कि ये मूवी जरूर देखते हैं और आके आपको बताएंगे कि मूवी कैसी थी, आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। आज सारे के सारे हुए थोड़े से एक्स्ट्रा रेडी, क्योंकि आज ना फादर्स डे भी है और एक तरह से वैसे देखा जाए ना फादर्स डे वाले दिन पापा ने टिकटें बुक कराई हैं, थोड़ा सा वियर्ड हो गया है। और आंचल नाइट सूट से डायरेक्टली सूट में आ गई, इंडियन सूट में। वाह चल क्या बात है, मैं पहनने नहीं वाली थी, मेरे दिमाग में नहीं था ये सूट, फिर मेरे को मामी ने बोला कि बस एक और सूट है ना फुल स्लीव वाला वो पहन। अभी जल्दी से निकल रहे हैं, मम्मी पापा ऑलमोस्ट रेडी है और मेरे जूते डालने रह गए हैं, तो जूते डालते और निकलते हैं। इतनी ज्यादा भीड़ है ना मॉल में, क्योंकि आज संडे को हम आए हैं और पूरा मॉल चकाचक भरा पड़ा है, बहुत ज्यादा, मतलब लिफ्ट से निकल के ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ आ गए हैं। सही बात है, ये देखो हम मूवी देखने आए चार्ली 777 या 777 चार्ली, बहुत ही अच्छी ट्रेलर बहुत अच्छा था मूवी का, तो हमने डिसाइड किया हम देखने आएंगे। ये जो सिस्टम है ना पानी भरने का, ये अंग्रेजों का सिस्टम है और अंग्रेज कुछ भी सही नहीं करते हैं। आंचल भरे यार इसको, यार कूलर लगा दो इसकी जगह। फाइनली मूवी देख के आ गए हैं और आंचल शर्मा क्या कहना है आपका मूवी के बारे में? बहुत अच्छी मूवी थी, मतलब अगर जो लोग डॉग लवर्स है ना वो तो मूवी पक्का देखो, और जो डॉग लवर नहीं है वो तो पक्का ही देखो, सारी देखो, क्या मूवी की डायरेक्शन है, क्या मूवी में सब कुछ जाए, डायरेक्शन तो डायरेक्शन गजब की है, इट इज अ मस्ट वॉच फॉर एवरीवन, चाहे आप डॉग लवर हो चाहे नहीं हो, देखना जरूर मूवी। हाँ, जो रात को हमने 3 घंटे वेस्ट करे थे ना भूल भुलैया 2 पे, वो वसूल हो गए, मतलब कसम से वसूल हो गए। और ये चार्ली 777 जरूर देखना, मेरी रिकमेंडेशन है। डैडी डैडी अगर वहाँ कुत्ते लाउड होते हम तेरे को भी लेके जाते, उन्होंने मना कर दिया, अगर अपने कुत्ता नहीं ला सकते आप। तो भाई साहब इसी के साथ करता हूँ मैं व्लॉग को खत्म, सोते हैं सुबह उठते हैं और फिर से आपको मिलेगा अगले व्लॉग में। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।